प्रकृति की कई घटनाएं इंसान को हमेशा आश्चर्य में डालती हैं। नेचर के इन विचित्र रूपों के पीछे जाएं तो विज्ञान इनके रहस्यों से पर्दा उठाता है, लेकिन आमतौर पर इन्हें तुरंत समझना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन जब भी कोई ऐसी घटना घटती है जिसे हम बयान नहीं कर सकते, अक्सर हम उसे एक चमत्कार का नाम दे देते हैं या फिर विज्ञान के अनुसार कोई असामान्य घटना मान लेते हैं। हमने पिछली कई वीडियो में आपको समुद्र या पानी में घटने वाले कुछ ऐसी अजीब घटनाओं से रूबरू करवाया था जिसे आपने खूब पसंद किया था और अगले पार्ट की डिमांड की थी। इसलिए हम इस दूसरे पार्ट में आपको समुद्र या पानी में मौजूद कुछ असाधारण चीजों व घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। पायरोसोम। बात 2013 की है जब कुछ ऑस्ट्रेलियाई डाइवर्स ने तस्मानियन सी में गोता लगाया, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें कुछ ऐसा दिखा कि उन्हें अपनी आंख पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें एक लचीली पाइप जैसी विशालकाय आकृति दिखी। दरअसल इस विशालकाय जीव का नाम पायरोसोम है, जो सबसे असामान्य समुद्री जीवों में से एक है। ये इतने दुर्लभ हैं कि उन्हें देखने वाले इसकी तुलना इस बात से करने लगते हैं जैसे मानो उन्होंने यूनिकॉर्न को देख लिया हो। इसीलिए इसे यूनिकॉर्न ऑफ द सी भी कहते हैं। इनकी लंबाई 90 फुट तक जा सकती है। ट्रांसलूसेंट और अंदर से खोखले होते हैं। इनकी बेलनाकार बॉडी हजारों की संख्या में छोटे छोटे जीवों से मिलकर बनी होती है, जो कि असल में खुद की ही नस्ल के की डुप्लीकेट कॉपी होती है, जिन्हें जोइड कहते हैं। इस तरह का जोइड खुद की कॉपी करना शुरू कर देते हैं और एक विशाल कॉलोनी बना लेते हैं, लगभग एक एडल्ट व्हेल के साइज का। ये खोखली ट्यूब में एक सिरे से पानी अंदर लेते हैं और उसमें मौजूद प्लैंकटोन खाते हैं और नीचे से वो फिल्टर्ड पानी बाहर निकलता रहता है। सर्कल्स ऑन द ओशियन बेड। जमीन पर मौजूद क्रॉप सर्कल के रहस्य से तो आप परिचित होंगे ही, जिसने साइंटिस्ट के दशकों तक तोते उड़ाए रखे। ये रहस्य कम नहीं था कि साइंटिस्ट को मालूम पड़ा कि इनमें भी जटिल कुछ रेत से बने सर्कल समुद्र तल पर भी मौजूद हैं। 2 मीटर डायमीटर वाले इन जटिल और शानदार निर्माण को पहली बार 1995 में दक्षिणी जापान के तट के करीब देखा गया था। स्थानीय गोताखोरों ने इन आकृतियों को मिस्ट्री सर्कल्स का नाम दिया। इनकी उत्पत्ति साइंटिस्ट के लिए एक बड़ी पहेली थी और 16 साल तक इसको सुलझाने का प्रयास चलता रहा। ये रहस्य 2011 तक बना रहा, जब तक कि वो असल अपराधी यानी कि कलाकार पकड़ा नहीं गया। जी हाँ, इन शानदार मिस्ट्री सर्कल्स को बनाने वाला 5 इंच लंबा एक मेल पफर फिश अचानक इनका निर्माण करते हुए कैमरे में कैद हो गया। जब उसे ऐसा करते हुए देखा गया तो साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दे। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया का अध्ययन किया कि कैसे मेल पफर फिश मछली अपने प्रजाति की मछलियों को लुभाने के लिए इन विस्तृत डिजाइनों का निर्माण करते हैं। ये समुद्र तल में चारों ओर तैरते हैं, अपने निचले पंखों को फड़फड़ाते हैं जो कि रेत को स्थानांतरित कर देती है, और फिर ये मिस्ट्री सर्कल्स बनकर तैयार हो जाता है। इन सर्कल्स को बनाने में इन्हें 7 से 9 दिन का समय लगता है। व्हर्लपूल। आपने कई बार फिल्मों और कहानियों में लोगों या नावों को भंवर में खींचते या डूबते देखा होगा, लेकिन क्या ये कहानियां सच है? यदि ऐसा है तो वो क्या है? संक्षेप में बोलें तो पानी का एक भंवर जो कि अपने आप में सेंटर में खिंचाव बल बनाता है और अपने पहुंच में आने वाली आसपास की सभी चीजों को अपने अंदर खींच लेता है। ये अलग अलग दिशा में आने वाली धाराओं की मदद से बनता है और अक्सर मौसम भी इसका मुख्य कारक होता है, जो कि एक भंवर के बल और विनाशकारी शक्ति को निर्धारित करता है। अधिकांश भंवर अधिक शक्तिशाली नहीं होते हैं। अधिक शक्तिशाली भंवर को सामान्य तौर पर अंग्रेजी में मेल स्ट्रोम्स कहते हैं। ऐसे किसी भी भंवर्स के लिए वोर्टेक्स शब्द उचित है, जो किसी भी चीज को अंदर खींचकर तल तक पहुंचा सकता है। कुछ कुछ ऐसा कि सिंक या बाथटब में भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका निर्माण प्राकृतिक तरीके से होने वाले भंवरों में अलग होता है। छोटे भंवर झरनों के आसपास दिखाई दे सकते हैं, लेकिन नियाग्रा झरने जैसे शक्तिशाली झरने के मामले में बनने वाले भंवर काफी शक्तिशाली हो सकते हैं। बड़े जहाज को आमतौर पर इन भंवरों से खतरा नहीं होता, हालांकि प्राचीन इतिहास की कुछ कहानियां बताती है कि ये जहाजों को अंदर खींच कर ले गया है। लेकिन हाँ, तैराकों और छोटी नाव को जरूरी अंदर खींचकर तल पर पटक सकते हैं, जिससे डूबने से मौत हो सकती है। एडगर एलन पो, जूल्स वर्ने और लियो द्वारा समुद्र के ऊपर से तल तक लंबे विनाशकारी व्हर्लपूल धाराओं का काल्पनिक चित्रण अपनी किताबों और कविताओं में किया गया है।
स्ट्राइप्ड आइसबर्ग्स। जब भी आप अंटार्कटिका के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में बस विशाल चारों तरफ फैले सफेद आइसबर्ग ही आते होंगे, लेकिन अगर हम कहें कि इसके अलावा नीले, हरे, पीले और यहाँ तक कि भूरे रंग के शानदार डिजाइन वाले भी आइसबर्ग भी मौजूद हैं, तो शायद एक बार को आप चौंक जाएंगे। लेकिन ये सच है और इन्हें स्ट्राइप्ड आइसबर्ग कहते हैं। स्ट्राइप्ड आइसबर्ग तब बनते हैं जब समुद्र का नीला और अंटार्कटिक का पारदर्शी बर्फ और दरारों में एक साथ मिलते हैं। बर्फ पिघलता है और पानी जम जाता है और ये प्रक्रिया बार बार लगातार होती रहती है। अलग अलग रंग अलग अलग कारण से दिखाई देते हैं। नीली धारियां सबसे आम है और वो तब बनती है जब बर्फ में मौजूद दरारें पानी से भर जाती है और ये इतनी तेजी से फ्रीज होता है कि बुलबुले नहीं बन पाते। हरी धारियां तब बनती है जब दरारों से भरने वाले पानी में एल्गी की मौजूदगी होती है। भूरी, पीली और यहाँ तक कि काली धारियां गंदगी और अन्य कण पानी में मिल जाने के कारण बनते हैं और फिर धारियों को बनाते हुए बर्फ के डिजाइन में ढल जाते हैं। वैसे तो ये दुर्लभ नहीं है लेकिन अभी भी काफी असामान्य है। नॉर्वे के नाइक ओइविन टेंजेन ने पहली बार इन ग्लेशियरों की फोटो को खींचा और उनका वर्णन किया था। फ्रॉस्ट फ्लावर। 2 सितंबर 2009 को उत्तरी ध्रुव से वापस घर जा रहे वाशिंगटन विश्वविद्यालय की जीव विज्ञान टीम ने जमे हुए फूल जैसी आकृति समुद्र के ऊपर चारों तरफ घास के मैदान की तरफ फैली हुई देखी तो वो दंग रह गए। उस जगह मौजूद समुद्र की हर जगह पर वो आकृतियां फैली हुई थी। उनके पिघलने पर जब 1 से 2 मिलीलीटर पानी की जांच की गई तो उसमें लगभग 1 लाख बैक्टीरिया पाए गए। आपको बता दें, नाजुक फूल वास्तव में ज्यादातर लोगों की जानकारी में नहीं है। वजह ये कि ये फूल आमतौर पर ठंडे पानी में नई बर्फ पर ही दिखाई पड़ते हैं। ये सामान्य रूप से कम तापमान में या लगभग शून्य हवा के बहाव में पनपते हैं। जब एटमॉस्फेयर का तापमान जमी बर्फ से भी कम हो जाता है तब ऊपर मौजूद पानी में ये संरचनाएं डायमीटर में लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर तक खिल जाती हैं और अक्सर दिखने में वास्तविक फूलों के समान होती है। फ्रॉस्ट फ्लावर में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है जो कि उनके क्रिस्टल जैसे दिखने के पीछे का रहस्य है। लेक कैंडी। कजाकिस्तान स्थित लेक कैंडी नाम से मशहूर झील किसी अजूबे से कम नहीं है। ऊपर से खूबसूरत झील की तरह दिखती है लेकिन करीब जाने पर देखेंगे तो सतह से बाहर एक अजीब लकड़ी के खंभे निकले। असल में पेड़ों के हिस्से हैं, इसके बाकी हिस्से पानी के नीचे डूबे हुए होते हैं, यानी पानी के भीतर ये पेड़ एक पूरे जंगल के रूप में मौजूद है। झील में अंदर की ओर बढ़ते पेड़ किसी अजूबे से कम नहीं है। इन पेड़ों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अब तक घने जंगलों का रूप ले चुके हैं। दरअसल 1911 में आए भूकंप के चलते ऐसा हुआ, जब एक लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ का मुंह बंद हो गया था और वहां एक प्राकृतिक डैम बन गया। इसके बाद इतनी बारिश हुई कि पूरा एरिया बारिश के पानी में सरोबार हो गया। भले ही झील के बाहर पेड़ सूख गए लेकिन जंगलों के पानी में डूब जाने से उनके बीज हरे भरे रहे और इस चमत्कारी झील का रूप ले लिया। हैरानी की बात है कि पेड़ों ने अपने को इस अनुसार ढाल लिया कि अब इनकी नई शाखाएं पानी के अंदर ही कई फीट लंबी हो जाती है। ये झील समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर ऊपर स्थित है और इसका पानी बहुत ठंडा है। इस झील की खूबसूरती को पास से देखने का अपना ही मजा है। इसके आकर्षण का केंद्र फिरोजा पानी है जिससे झील के अंदर तक का नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये झील सर्दियों के मौसम में जम जाती है। मीथेन बबल। जमी हुई झील के नीचे फंसे हजारों बुलबुले देखने में जरूर आपको असाधारण रूप से सुंदर लग सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ कोई आम हवा के बुलबुले नहीं है बल्कि एक अत्यधिक घातक और ज्वलनशील मीथेन गैस के बुलबुले हैं, जो झील की जमी हुई सतह के नीचे सिर्फ कुछ इंच नीचे फंसे रहते हैं। ये घातक बुलबुले तब बनते हैं जब झील में मौजूद पौधे मीथेन गैस छोड़ते हैं जो सतह पर पहुंचने तक जम जाती है। इस घटना के सबसे आश्चर्यजनक दृश्य कनाडा के अल्बर्टा में लेक अब्राहम के ऊपर देखे जा सकते हैं। अगर आप इन्हें फोड़कर आग लगाएंगे तो हवा में आग लगते आप आसानी से देख सकते हैं। नेट्रॉन झील। तंजानिया में एक झील मौजूद है जहां जाने वाला हर पशु पक्षी देखते ही देखते पत्थर बन जाता है। ये रहस्यमय झील तंजानिया के उत्तरी भाग में है। उस झील का नाम नेट्रॉन झील है। ये हिंदी काउंटडाउन की आज तक की लिस्ट में शामिल सबसे अजीब प्राकृतिक चीजों में से एक है। नेट्रॉन झील को इरी लेक नेट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक नमक और सोडा झील, बोले तो नमक और खनिजों के मिश्रण का झील है। ये यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया में है, जो कि अपने कुछ खास कारण से जानी जाती है, साथ ही अपनी डरावनी चीजों के लिए भी जानी जाती है। जब एक फोटोग्राफर
निक ब्रायंट उत्तरी तंजानिया की नेट्रोन झील की तटरेखा पर पहुंचे तो वहां के दृश्य को देखकर चौंक गए, क्योंकि झील के किनारे जगह जगह पशु पक्षियों के स्टैच्यू नजर आ रहे थे। वे स्टैच्यू असली मृत पक्षियों और जानवरों के थे। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता है कि ये कैसे मरे, लेकिन लगता है कि लेक की अत्यधिक रिफ्लेक्टिव नेचर ने उन्हें भ्रमित कर दिया, जिसकी वजह से ये सब पानी में गिर गए। पानी में सोडा और नमक की मात्रा ज्यादा इन पक्षियों के मृत शरीर को सुरक्षित रखती है। पानी में अल्कलाइन का स्तर पीएच 9 से पीएच 10.5 है, यानी अमोनिया जितना अल्कलाइन, कभी कभी इसका पीएच 12 से अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से वे मूर्तियों की तरह दिखते हैं, या कहें जॉम्बी या मम्मी जैसे दिखने लगते हैं। लेकिन कुछ पक्षी और इनवर्टिब्रेट, बोले तो रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, झील को अपना घर बनाए हुए हैं, और कुछ मछलियां झील के किनारों, जहां आसपास कम नमकीन पानी होता है, वहां जीवित और फलने फूलने में कामयाब रही हैं। क्या ये अविश्वसनीय नहीं है कि इस दुनिया में कितना कुछ स्वाभाविक और अस्वाभाविक रूप से मौजूद है? लेकिन अभी तक कई ऐसी चीजें हैं जिन पर आप आसानी से विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको इन अजीब प्राकृतिक घटनाओं और प्राकृतिक चीजों के बारे में एजुकेट और सही जानकारी जरूर देंगे, ताकि आप दूसरों को भी इस नेचुरल फिनोमेना के बारे में बताने में सक्षम हो। अगर ये वीडियो आपको सही शिक्षा और आपका मार्गदर्शन करने में सफल रही हो तो नीचे कमेंट करें पार्ट 3। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। घर रहें, सचेत रहें, सेफ रहें।